कैसे पता चला? भाई मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, मौसा जी रहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक हफ्ते पहले दिवाली मनाई जाती है। मैं बोले साथ मनाबो नहीं सीखी के, लेकिन उकरे घर समस्या चालू हो गई, तो अब काकरो हिम्मत नहीं है कि पहले मतलब साथ मनाबो की एक साथ पूरा देश के साथ मनाबो कही के, काबर जे है कही उकरे घर समस्या ही। तो यो तो देश प्रदेश में दिवाली का पर्व आगामी 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का एक ऐसा गांव सेमरासी जहां आज यानी 24 अक्टूबर को दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या मान्यता है और क्या परंपरा है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ जो गांव के तमाम लोग जो वरिष्ठ लोग हैं वो मौजूद है, उनसे जानेंगे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसकी मान्यता क्या है और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को लोग यहाँ क्यों एक हफ्ता पहले दिवाली का पर्व मनाते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मदन लाल निषाद। निषाद भैया, यहाँ जो त्योहार जैसे बाकी जगह में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा पूरे देश प्रदेश में, लेकिन यहाँ एक हफ्ता पहले आज 24 तारीख को क्यों मनाया जा रहा है? सिरदार देव के नाम से मनाया जाता है, देवता के नाम से, कोई व्यक्ति इच्छा नहीं है कि पहले त्योहार मनाया जाए। ये त्योहार कितना दिन के मना थे कोई सियान भी नहीं जान पाया, बहुत मतलब जब से गांव बसे हुई तब से त्योहार मनाते हैं, मतलब सदियों से मनाते हैं। सदियों से मनाते हैं। अच्छा, मतलब आज त्योहार मना रहे तो शुरुआत कहाँ से होती, कैसे शुरुआत करते? शुरुआत अब यानी कि किसी मतलब किस तरह की शुरुआत, जैसे पूजा पाठ से राज देव का पूजा पाठ करते हो ना, हाँ, उसके बाद शुरुआत होती है। हाँ, पहले इस तरह से राज देव से शुरुआत होती है पूजा, या कोई भी चीज या समस्या आगे कहीं होगी ना, या कोई भी शादी बढ़ जहाँ भी, सबसे पहले पूजा ही राज देव होती है। ये हमारे गांव की इष्ट देव है, तीर्थ खार के भी इष्ट देव है। यहाँ ना कोई प्रकार के मनोकामना कहीं भी चोरी हारी कुछ भी हो जाते ना, एक बहुत प्रमाणित देवता है। कौन कौन से त्योहार पहले मनाते हैं? दीपावली, होली, हरेली और पोला, चार त्योहार पहले मनाते हैं। अच्छा, ये त्योहार को लेकर कितना उत्साह है, कैसा माहौल है? बहुत ज्यादा उत्साह, क्योंकि पूरा परिवार दीदी भाटो हर जगह के परिवार सब आते और चार गांव को देखे लाते, ओकर से बहुत आनंद आते, बहुत आनंद आते। मतलब जो लोग बाहर या कोई अगर नौकरी में अगर बाहर है या कुछ काम से जो बाहर है तो वो लोग भी आ जाते हैं? हाँ, वो भी आते हैं। हाँ, और रात को कोई कार्यक्रम वगैरह? हाँ, दीपावली में दो दिन के नाचा होते और होते थे, मन में नहीं हो कार्यक्रम नाचा वगैरह, दीपावली में होते दो दिन के नाचते हैं, बहुत दिन से आते नाचा का कार्यक्रम। अच्छा, आज जो है लक्ष्मी पूजा है, गोवर्धन कब होगी? कल होगी, कल गोवर्धन पूजा कल 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 होगी। हाँ, तो ये हमारे साथ जो गांव के वरिष्ठ नागरिक थे उन्होंने जब बातचीत किया तो बताया कि आखिरकार क्यों इस गांव में जो होली है या दिवाली का पर्व एक सप्ताह पहले मनाया जाता है, और भी इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ के जो पुजारी है सिरदार देव के पुजारी वो है, उनसे बात कर लेते हैं। दादा क्या नाम है? कीर्ति निषाद। आप यहाँ पर पुजारी हैं? हाँ। अच्छा, आज यहाँ पहले त्योहार मनाया जा रहा है, बाकी जगह जैसे 31 तारीख को है, तो इसके पीछे क्या मान्यता है? हमारे गाँव में तो हर समय पहले मनाते, तब के माना थे, हम खुद नहीं जाना भाई। हाँ, पुराना सियान मन माना था, हम माना था। क्यों पहले मनाया जाता है? तो सियाने मन माना थे, इतने हम माना था, अब हम ज्यादा जानकारी नहीं है, एकदम बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति हो गए, पीछे नहीं बता पाए। हाँ, नहीं बता पाए, कोई नहीं जाने। तो ये जो पुजारी है सिरदार देव के, उन्होंने हम से बातचीत किया तो बताया कि आखिरकार क्यों उसके गांव में सदियों से परंपरागत तरीके से यहां पर ऐसा मनाते आ रहे हैं कि एक सप्ताह पहले दिवाली बाकी जगह से एक सप्ताह पहले यहां पर मनाया जाता है, और हमारे साथ और भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी जानने के। क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र रावल होंगे। अच्छा, यहाँ ये जैसे आप भी यहाँ पहुंचे है, क्यों एक सप्ताह पहले त्योहार मनाया जाता? यहाँ की परंपरा है और सुनने में मिलता है, हम बचपन से आ रहे हैं यहाँ त्योहार मनाने, और ऐसे एक सप्ताह के सिरदार देव के नाम से यहाँ नान अष्टी हो जाए करके मनाते हैं। और क्यों इसके पीछे क्या मानते हैं, क्यों पहले? अब इसके पीछे वही है कि पहले से जो मना रहे हैं ना, तो हम लोग भी नहीं जानते हैं, बहुत पुराना समय की बात है, और हम जब छोटे से तब से आ रहे हैं इस गांव में, एक सप्ताह से पहले मना रहे हैं सिरदार देव के नाम से, एक सप्ताह पहले मनाया जाता है यहाँ। जैसे मतलब
ठीक है आप लोग एक सप्ताह पहले मनाते हो गांव में, मैं देख रहा हूँ बच्चे बड़े बुजुर्ग सब एक साथ मिलकर ये त्योहार मना रहे हो, तो पहले क्यों मनाया जाता है, क्या मान्यता है? इस देवता के नाम से पहले मनाया जाता है, यहाँ कोई पहले कोई पुजारी रही सो ही जो फर्स्ट चरण में बोला स्वप्न दी सो है, वो बताते हैं सुनथन ज्ञान मन कर ले, तो पहले अगर मनाहू ना तो यहाँ ज्यादा अच्छा रही, ऐसे की कुल स्वप्न जो कर आधार से कुछ समय प्रयास करी फागुन त्योहार ला, लेकिन वहाँ जे व्यक्ति है क्या कहते बहुत खर्चा थे पहले मनाथन था, सगा सोधर में भी बहुत मतलब थोड़ा से प्रभाव पड़ते तो एक साथ मनाबो नहीं सीखी के, लेकिन उकरे घर समस्या आज चालू हो गए, तो अब काकरो हिम्मत नहीं है कि पहले मतलब साथ मनाबो की एक साथ पूरा देश के साथ मनाबो कही के, काबर जे है कहीं उकरे घर समस्या ही तो कर... अच्छा मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसी समय अगर मनाते हो तो कुछ अनहोनी होती है? हाँ अनहोनी हो जाती है, हाँ तो अनहोनी होते हो गए है, देख चुके हैं प्रमाण कर, तब किसी की हिम्मत नहीं कि अब साथ मतलब पहले थी एक हफ्ते पहले बनाए थे साथ में नहीं संगने का है अनगाव साथ, मतलब होली दिवाली चार त्योहार ना पहले होते जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जो गांव के जो वरिष्ठ है उनसे जब ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या कारण है कि एक सप्ताह पहले यहाँ पर होली दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि श्री सिरदार देव बाबा का मंदिर है, और इसी मंदिर से पूजा अर्चना के साथ परंपरागत तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद लोग हैं जो यहाँ पर त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, खुशियां मनाते हैं, और आप देख सकते हैं कि इधर जो छोटे बच्चे हैं वो फटाखा जलाते नजर आ रहे हैं, घर के सामने रंगोली भी सजाया गया है और घरों को रोशनी से मतलब लाइटों से सजाया भी गया है, तो कहीं ना कहीं ये अनूठी परंपरा है इस सेमरा सी गांव की। हमारे साथ एक युवा है, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या नाम है आपको? मयंक गढ़सेना। मयंक कहाँ से है? मैं गुंडरती गांव सिकोसा। तो यहाँ कैसे? ये हमारी दादा गांव है, पापा का जॉब जो है सिकोसा में है, तो हम वहीं रहते हैं, तो हर साल हम आते हैं त्योहार मनाने और यहाँ देखते हैं कि घरों घर मस्त मेहमान आई हुई रहती है, तो ऐसे लगता है मानो बहुत अच्छी त्योहार हो रही है, और जिस प्रकार हर गाँव में शीतला माता को पहला वो दिया जाता है प्रधान, यहाँ वैसी किरदार देव को भी, और जिस प्रकार हर गांव में शीतला माता को पहला वो दिया जाता है प्रधान, यहाँ वैसी किरदार देव को भी प्रधान दिया जाता है। अच्छा आप मतलब कितने दिन पहले आ गए त्योहार मनाने? नहीं हम लोग तो आज ही आए हैं, आज लक्ष्मी पूजा है, कल गोवर्धन पूजा है। कैसा माहौल, कितना उत्साह है गांव? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आते हैं तो गांव से भी दोस्त लोग आते हैं, भैया लोग आते हैं, चाचा मेहमान लोग आए रहते हैं सब घरों घर में, बहुत अच्छा रौनक रहती है, मतलब दूर दूर से लोग इसको देखते हैं। हाँ दूर दूर से लोग इसको देखने ही आते हैं, गांव में भी पूछते हैं चर्चा करते हैं किसके कारण वहाँ पहले ही मनाते हैं, तो हमें भी जानकारी नहीं है, पूर्वजों द्वारा ही मनाते आ रही है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी बीकॉम फाइनल ईयर। अच्छा बीकॉम फाइनल ईयर। हाँ। तो ये है कि ये युवा है जो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पिताजी नौकरी में बाहर रहते हैं, तो वो भी बाहर रहते हैं, और हर साल दिवाली में इसी तरह आते हैं और गांव वालों के साथ मिलकर खुशियां के साथ दिवाली का पर्व मनाते हैं। हमारे साथ एक भैया है यहीं के स्थानीय, उनसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है? तेजराम सिन्हा। सिन्हा जी, यहाँ एक सप्ताह पहले दिवाली मनाया जाता है, बाकी अगर देश प्रदेश की बात करें तो 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा मनाया जाएगा, लेकिन आज यहाँ 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, क्यों? अब बहुत पहले से चले आ रहा है, तभी थे हम लोग भी उसी रीति रिवाज के हिसाब से चला रहे। मतलब बड़े लोग जैसे बताते हैं कि एक बार साथ में मनाने के लिए किए थे तो गांव में पूरा आग लग गया था, इस टाइप का बताया, तब से चल रहे तो चल रहे। मतलब ऐसा बुजुर्ग बताते हैं, मतलब एक साथ मनाने की कोशिश करते थे, गांव कुछ भी पत्ती आ गए, क्या होते हैं? मतलब वही एक बार मनाने के लिए किए थे ना, तो आग लग गया था गांव में, एक घर में नहीं, मतलब ऐसे आधा बस्ती के ज्यादा लग गया था बोले, इसलिए नहीं कोशिश की और कभी। अब मैं एक देख पा रहा हूँ जैसे आप पीला कलर का नया कपड़ा पहने हैं, और भी युवाओं को मैंने देखा, तो आप लोग कुछ विशेष समिति वाले हैं? नहीं, मतलब दिवाली के लिए नए कपड़े। बिल्कुल। तो ये युवा के स्थानीय भैया हमने बात किया तो बताया कि यहाँ पर परंपरागत तरीके से जैसे बुजुर्ग बताते हैं कि एक साथ क्यों अब यहाँ पर पहले दिवाली पर मनाया जाते हैं, जैसे यहाँ पर बाहर बाहर से लोग पहुँचे। एक भैया क्या नाम है? नहीं जैसे आप बता रहे थे, कहाँ से आए? धमतरी से। मैं धमतरी से आया हूँ। मतलब यहाँ कैसे पहुँचे थे? कैसे पहुंचे? मैं ये देखने आया था कि बोला बताया गया था कि ये हफ्ते पहले यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, मैं भी यहाँ नहीं रहता, मैं जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ, मैं छुट्टी पे आया हूँ इस वक्त, तो मैं बोला चलो एक बार देख के आ जाते हैं दिवाली ऐसे। अच्छा तो देखने ही आया कि यहाँ पहले मनाते हैं, कैसे पता चला?
मैं मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, मौसा जी रहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक हफ्ते पहले दिवाली मनाई जाती है। मैं बोला एक हफ्ते पहले कौन सी दिवाली मनाई जाती है भाई, एक बार भी देख ले, तो उस हिसाब से मनाया था। क्या नाम होता है? मेरा विजय सिन्हा। अच्छा, विजय सिन्हा जी यहाँ पर आए तो निश्चित तौर पर पहले मनाया जाता है, कैसा देखा, कैसा उत्साह लग रहा है, कैसा माहौल लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भैया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब रौनक जौनक भी बढ़िया है, सब अच्छे से दिवाली मना रहे हैं, बढ़िया है। अच्छा, आप भी सही कैसे? हाँ जी बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं कि बाहर बाहर से लोग भी इस गांव में दिवाली के पर्व को देखने पहुंचे, जैसे उन्होंने बताया कि वो बाहर से पहुंचे हैं और उनको पता चला कि यहाँ एक सप्ताह पहले त्यौहार मनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पर इस गांव में त्यौहार देखने पहुंचे थे, मनाने पहुंचे थे। और आपने देखा कि इस गाँव में एक सप्ताह पहले दिवाली मनाया जाता है, लोग बड़े उत्साहित है, खुश है, साथ ही साथ रात्रि में कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और कल यानी 25 अक्टूबर को यहाँ पर गोवर्धन पूजा का आयोजन भी किया जाएगा। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए धमतरी सेमरा सी।